बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और टाइम 6:05 हो गए फजर के, जैसे आप देख रहे हो सामने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आफ्ताब जो ब्लॉग। सर, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ अल्लाह के फजल करम से। सर, नए ब्लॉग करते हैं सारी मरम तक। आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को भी लाइक करेगा, शुक्रिया। और आज मेरा दूसरा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर, और आज जुमे का दिन है। तो सबसे पहले आप सभी को जुमे मुबारक। और अभी मैं फजर की नमाज अदा करने जा रहा हूँ मस्जिद के हरम में। और अभी देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देगी क्योंकि मस्जिद के अंदर अभी ज़्यादा सबसे ज़्यादा भीड़ है, फजर का टाइम चल रहा है। तो अभी बस अपनी जल्दी जल्दी जा रही है। फजर का टाइम 6:50 तक यहाँ पे होता है। अपने को होटल से हरम शरीफ तक जाने तक 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी बस अपने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अभी जाके और नमाज अदा करते हैं। जी, सुबह सुबह हवा चलती है ना मक्के की, ये काफ़ी खूबसूरत होती है, ठंडी ठंडी हवा, माशाल्लाह काफ़ी। और अभी अभी क्लॉक टावर देख रहे हो, बाकी मस्जिद के हरम सामने आ गई। अपने बस यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा और फिर अपने इंशाल्लाह फजर की नमाज अदा करेंगे। और अभी अपने अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज अदा करके वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। और तो अभी अपने बस ब्रेकफास्ट करके और जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर अपने को यहाँ पे जुम्मा के बाद ही अपने फिर यहाँ से रवाना होंगे क्योंकि फिर अपने को जगह नहीं मिलेगी। नहीं तो अपने को काफ़ी दूर सड़कों पर जुम्मे की नमाज अदा करनी पड़ेगी, इसलिए अपने जल्दी ही वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी आप जैसे देख सकते हो कि ये बिल्ली और ये कबूतर, कितने सारे कबूतर और बिल्लियाँ भी यहाँ पे घूमती रहती है, फिर भी पता नहीं क्या अल्लाह की कुदरत है, ये बिल्ली कबूतरों को कुछ नहीं कहती। और मेरे को डर लगता है कि ये कबूतर ना मुंह पे ना लग जाए जब ये भागते हैं, तो उनकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। बाकी आप माशाल्लाह माशाल्लाह देख रहे हो, या माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और अभी मैं आप लोगों को रूम टूर करवा देता हूँ। जो हमारा रूम है वो 13 फ्लोर पर और ये 1336 नंबर रूम है हमारा। तो ऐसे करके सबसे पहले अपनी कार लगाएंगे, अभी ओपन हो गया और यहाँ पे एक बटन है, लाइट ऑन है। और आगे जाएंगे तो इधर एक और बटन है, ये भी लाइट ऑन है। और आप ये देख रहे हो 1, 2, 3 और ये मेरा सामान 4। यहाँ पर 4 बेड हैं और हम 4 दे रहे हैं, 3 ताया जी और एक में, और एक एसी लगी हुई है, और इधर एक अलमीरा है, और यहाँ के फ्रिज है, और एक LED TV लगी हुई है, और इसके अंदर लाइव चलता रहता है हरम से, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। रिमोट ये रिमोट, ये जमजम का पानी जो हम लाए थे, आप ये देख रहे हैं ये लाइव चल रहा है 7:54। और इधर हमारा वॉशरूम है, ये आप देख रहे हो, ये शावर के लिए। और ये शीशे पे पूरी फोक्सी आ रखी है, अभी कोई ताया जी नए थे तो गर्म पानी उन्होंने यूज़ किया था, इसलिए ये फोक्सी आपको दिखाई दे रही है, ये शीशा एक लगा हुआ है। और बाकी यहाँ पे जो प्लग है ये दूसरे टाइप के हैं। और मैं जब चला था तो मेरे भाई ने मुझे बता दिया था कि वहाँ पे आपको अपने इंडियन प्लग नहीं मिलेंगे, तो आप एक इंटरनेशनल या यूनिवर्सल प्लग लेंगे ना साथ में। फिर मैं यूनिवर्सल प्लग ले आया था साथ में, फिर अभी मैं यही यूज़ करता हूँ। जैसे आपको मैं बाहर दिखा भी देता हूँ, ये आप देख रहे हो ये यूनिवर्सल प्लग है, और ये मेरा अडाप्टर चार्जर का, और मैंने इधर लगा रखे। और अभी टाइम 3 बजे का है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा कर ली है। बाकी अभी हम जा रहे थे ज़ियारत करने के लिए एक दो जगह पे, और बस सारे हमारे साथ वाले आ रहे हैं, और मैं अभी गेट पे खड़ा था होटल के, सबका वेट कर रहा हूँ, सब आ जाए फिर अपने इंशाल्लाह चलेंगे। और देखते हैं किस किस जगह पे जा रहे हैं इंशाल्लाह अपने। और एक बार फिर से अपने कबूतर शॉप पे, और अभी तक मैंने चौकी नहीं डाली इनको, वो मेरे बैग में पड़ी है, निकल इंशाल्लाह पक्का इनको चौक डालेंगे। बाकी वो ये क्लॉक टावर, अशहदु अल्ला
ज्यादा नहीं देखा कि ना सर की अजान होगी तो अपने अभी सभी यहाँ पे नमाज अदा करेंगे और उसके बाद में फिर इंशाल्लाह पे आगे जाएंगे और पता नहीं कहाँ पे जाएंगे, कभी लेके जा रहे हैं और अपने को बाद में पता चलेगा कभी कहाँ पे जा रहे हैं और अभी बस अपने नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। और सर की नमाज अदा कर ली और लोगों की भीड़ है यहाँ पे तो ये रास्ता बंद कर रखे उन्होंने, हमको इधर ही जाना है, पहले वो अंदर से सारे लोग बाहर आएंगे उसके बाद फिर हमें जाने की इजाज़त मिलेगी, वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चालू कर दिया उन्होंने लेकिन फिर भी भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप जैसे देख भी सकते हो। अबू जहल कमीने का उस लानती का जो हजूर तंग करता से हजूर परेशान करता से हजूर समझा कि मेरी लानती का मकान है। प्यास काफी ज्यादा लगी और जमजम का पानी यहाँ पे मिल रहा है, पहले पानी पिएंगे इंशाल्लाह। अबू कुवैस के दो जाना दे सरदार काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ सारे का नाम है जबल अबू कुवैस, इस पहाड़ का नाम की है जबल अबू कुवैस, इस पहाड़ दो जाना दे सरदार काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चलते दो टुकड़े किए देख रहे हो तुम जाहिरीन उस खंभा जो परोदर वेखो सज्जा तो उस खंभे ते उस थान ते हजरत खदीजा अल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मकान सी समझ आ गई देख ले चाचा तसलियां ना आ सामने खंभा खड़ा जेड़ा चला खंभा खड़ा हुन अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किते होए ने मक्के शहर दे अंदर केड़े मकान ते पैदा होए ने आ सामने मंजर वेख अल्लाह अल्लाह अकबर आ सामने मकान ते हुजूर पैदा ना पीड़ा मकान नजर आ रिया ना आ दो जाना दे सरदार काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी पैदाइश दा मकान है आ ते कोले आते ज़ियारत करो हुजूर दी बारगाह अंदर दुरूद व सलाम पढ़ो कमलियो आओ बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ ना, और आप देख रहे हैं आजकल ये लाइब्रेरी बना दी गई है। दो टुकड़े किए हैं हम दूसरी गल सुनो इस थान तो जमजम का पानी भरया जाता है आ सामने जाली लगी नजर मारो आ जाली लगी ना इस थान तो जमजम का पानी भरया जाता है कुआं तो है ना उधर जिथे आप तवाफ करते हैं कुआं तो है ना उधर जिथे आप तवाफ करते हैं कुआं तो है ना उधर जिथे आप तवाफ करते हैं समझ आ गई तो पैंपा पाते अजकल मच्छी मोटर दुनिया भर सुविधा पैंपा पाते पानी इस थान तो भरया जाता है। अभी जैसे अपनों ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर पैदाइशी घर और अभी अपने आगे ही चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ था। और जो ये पहाड़ी है ये आप सामने पहाड़ी देख रहे हो यहाँ पे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए थे वो इसी पहाड़ी के ऊपर किए थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अभी अपने आगे चल रहे हैं रवाना जी अल्लाह के हबीब की बारगाह जो आया से यहूदी के अगर तुम अल्लाह के सच्चे रसूल हो तुम नबी हो तो बड़ी लंबी चुड़ी गल दरखत चलते दूडी बारगाह जाते गवाही दे दे मैं कलमा पढ़ते मुसलमान हो जाऊंगा मैं कलमा पढ़ते मुसलमान हो जाऊंगा समझ आ गई। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस दरखत नूं मैं आखा कि या तू आखेगा तेन जो सामने काली जुल्फा वाला काली कमली वाला आका दो जाना दा सरदार सारे नबिया का सरदार तेन बुला रहा है तेन सदी जाता है समझ आ गई
अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह जो खड़ा सी हुजूर ने इरशाद फरमाया उसने जाके मेरा पैगाम मेरा समाचार दे दे तो हुजूर बुला रहे हैं। समझ आ गई? तो वह यहूदी जो गया उस दरखत के कोले, दरखत के कोले जावन तो बाद वह दरखत दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला हिला अपनी जड़ा उखेड़ता होया अपनी जड़ा उखेड़ता होया वह चलते हुजूर दी बारगाह के अंदर आके दरखत की हो गया झुक गया हाजिर हो गया झुक गया। तो जो अपने काफिला बनाते अपने जा रहे हैं ज़ियारत करने वास्ते इस तरीके ने आ ज़ियारत करने वास्ते जा रहे हैं और परली टोली ज़ियारत करने वास्ते जा रही है मस्जिद बनी हुई है उस जगह का नाम मस्जिद शजरा मस्जिद शजरा मस्जिद शजरा मस्जिद मस्जिद की नाम सी मस्जिद मदीना 8 साल हो गए 8 साल तो बाद हजूर मक्के आए पहले बेचारे 6 सालों तो बाद आए सन उदो उन्होंने हज नहीं करता हजूर वापस तशरीफ लै गया हजूर फिर हजूर आए 8 सालों तो बाद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो जो मक्का फतह होया सी ना उदो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात नू हजरत अली ने हुक्म दिता सी कि झंडा ला दो फतेह का झंडा ला दो फतेह का झंडा फतेह का झंडा ला दो तो मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फतेह का झंडा लाया सी कि जेड़ी थां ते उस जगह का भी दीदार करना है। और ये जो हिस्सा है ये अजवा का बाजार है जो आप देख रहे हो हरम शरीफ हिस्सा है और उससे इधर ये अजवा का बाजार यहाँ पे लगा करता है। देख सकते हो माशाल्लाह कितनी कितनी बड़ी बस 1, 2, 3, 4 पीछे भी अब ये मोड़ पे देखना पूरी देखो यार दरखत नूं इशारा करो तो चलते आ जाए दरखत चलते हजूर दी बारगाह जाके गवाही दित्ती हजूर दी बारगाह जाके गवाही दित्ती समझ आ रही सुन ली देख लिया जी मस्जिद जिन आप देख रहे हो आंखों से सर की आंखों से दीदार करे हजरा ये है मस्जिद जिन सुभान अल्लाह इस जगह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तशरीफ लाना और इस जगह के ऊपर महफिल का लगना शरीफ के अंदर सूरत है सूरत जिन और वो भी कह रहे हैं कि यही नाजिर हुई थी इसी जगह पे आराम फरमा रही ने समझ आ गई। फिर दूजी गल जी मैं बयान कर रहा सा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली दे पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली दे पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान अरवली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस जन्नतुल माला मक्के शरीफ के अंदर आराम फरमा रहे हैं इत्थे हाँ उन्होंने बारगाह अंदर जाके आप हाजिरी देनी है तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कब्र दे विच आज भी खुशबू आ रही है आज भी खुशबू आ रही है समझ आ गई चार बड़ा तेज रखो जल्दी पहुँच गई आप बेटी
और हजरत आशा दी सकी बहन है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी आराम फरमा रही है। दुआ करो बिस्मिल्लाह अखां दा पर्दा हटे ना इना गल्लां दा एक गल याद रखो किथे चलिया बादशाह वेखदा है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली दा पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी कित्थों चलिया है इंडिया तो अपने अजमेर शरीफ तो चलिया सारे हुंदा 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 अल्लाह पाक ने मिट्टी कित्थे आ लिखी है जिंदा तुल माला दे अंदर आके अल्लाह की बारगाह च इन्हें दुआ की ना खाने काबे के कोल आते हजरत उस्मान हारून ने भी दुआ की थी कि या अल्लाह पाका किवें दुनिया के अंदर मेरी मशहूरी है मेरे लिए टाल चा कर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली में मशहूरी अता फरमा दे मेरे इस गुलाम नू मेरे इस मुरीद नू इन्हें दुनिया के अंदर चर्चा कर दो ना बुजुर्गों की दुआवें एक दूजे दुआवें बुजुर्गों ने दी दियाँ बड़ी खुश। और अभी जैसे आप लोगों ने देखा कि आज आप लोगों ने कहाँ कहाँ ज़ियारत की थी, बाकी अभी वक्त मगरिब का हो चुका है, अभी मैं जाके नमाज अदा करूँगा। बाकी आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट करेंगे, इसको शेयर करेगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इंशाल्लाह जल्द आपको मिलता है लोगों के अंदर खुशी का क्या लगेगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।